नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। नेचुरोमेडी हीलिंग रिसर्च सेंटर से मैं हूं फाउंडर इन्वेंटर NWM। NWM यानी नेचुरोमेटिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड। ये एक नई ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। नॉन इन्वेसिव और ड्रगलेस है। नॉन इन्वेसिव का मतलब है जिसमें कोई चीर फाड़ ना हो, और ड्रगलेस का मतलब है जिसमें औषधियों का प्रयोग ना किया जाता हो। साइकोयोगिक थेरेपी कुछ यूनिवर्सिटीज इसको पुकारती है, क्योंकि हम जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको भी हमारी वाली थेरेपी से NWM से आसानी से ठीक कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं NWM का आज की चिकित्सा पद्धतियों से संबंध। एक्चुअली जो NWM है ये एक फ्यूजन है पुरातन भारतीय पद्धतियों का और मॉडर्न जो वेलनेस मैनेजमेंट मेथड्स हैं उनका। जो चीजें आज आधुनिक चिकित्सा में पढ़ाई जाती हैं वो हमारे यहाँ पे हजारों सालों से पढ़ाई जाती है, हजारों सालों से लोग जानते हैं। हमारे यहाँ पे उन चीजों को भी लोग जानते थे जो दिखाई नहीं देती हैं। मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वो तो उन चीजों पे बात करता है जो दिखाई देती है, लेकिन हम उनकी भी बात करते थे जो दिखाई नहीं देते। ऐसे ही एक सिस्टम है चक्रा सिस्टम, जिसको हम ऊर्जा क्षेत्रों की तरह से जानते हैं। पुरातन भारतीय पद्धतियों में चक्रा का बड़ा महत्व है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको एंडोक्राइन से रिलेट करके थोड़ा सा देखने लगा है, लेकिन अगर चक्रों को बैलेंस कर लिया जाए तो ना सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम बल्कि शरीर की और बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि इन सात चक्रों में षट चक्र कहलाते हैं वैसे, लेकिन सात चक्र है। सातवां चक्र इसलिए नहीं गिना जाता क्योंकि वो शरीर से बाहर सहस्रार जो क्राउन चक्र कहलाता है उसमें माना जाता है, लेकिन ये पांचों तत्वों से जिनसे हम मिलके बने हैं। सुना होगा ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित तति अधम शरीरा। इन पांच तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। ये पांचों तत्वों का संबंध इन चक्रों से भी है। नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़े तो पहला चक्र कहलाता है मूलाधार और इसका तत्व है पृथ्वी। दूसरा तत्व है जल, जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और चक्र है स्वादिष्टान। तीसरा तत्व है अग्नि और चक्र कहलाता है मणिपुर या सोलर प्लेक्सिस। फिर इसके ऊपर जो चक्र आता है वो कहलाता है हृदय चक्र, और हृदय चक्र में जो तत्व है वो है वायु, और फिर जो कंठ में आता है वो कहलाता है विशुद्ध, और वो तत्व है आकाश। इस तरह से ये पांच तत्व हैं और पांचों तत्व चक्रों में पूरे हो जाते हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि पांचों तत्वों को बैलेंस कर लेने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि पांचों चक्र अगर सिद्ध हो जाएं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऊपर वाले जो दो चक्र हैं वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम आते हैं, इमोशनल ग्रोथ में काम आते हैं, मेंटल वेलनेस में काम आते हैं, इमोशनल वेलनेस में काम आते हैं, स्पिरिचुअल वेलनेस में काम आते हैं। हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की कभी बात नहीं करते हिंदुस्तान में, भारत में। हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं आठों तरह की वेलनेस की, और ये फिजिकल से शुरू होकर स्पिरिचुअल पे खत्म होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य जरूरी माना गया है, उसी की प्राप्ति सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं हो सकती। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो हमें जो हमारा षट चक्र है या सातों चक्र है इन पे काम करना पड़ता है, और इनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं है। इन पांच तत्वों से संबंधित इनके रंग हैं। इन रंगों को भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो सबसे नीचे वाला चक्र है उसका रंग है लाल, उससे ऊपर वाला जो है उसका है नारंगी, उससे ऊपर वाला जो है उसका है येलो, उससे ऊपर वाले का हरा, उससे ऊपर ब्लू, उसके ऊपर स्काई ब्लू या इंडिगो नीलवत श्वेत जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर वाला वायलेट, और उसके ऊपर सफेद। तो अगर हम इन रंगों का प्रयोग करना सीख लें, इन तत्वों का प्रयोग करना सीख लें, तो हमारे चक्रों को बैलेंस करना आसान है, और चक्रों को बैलेंस करने से जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आजकल होती है, और वो सब इमोशनल है, इमोशन से बेस्ड है,
साइकोसोमेटिक किसी के कहलाते हैं, क्योंकि साइकी में उनपे असर आता है और सोमा पे असर डाल देते हैं वो। तो हम अगर हम चक्रों को ठीक कर लें, अपने तत्वों को ठीक कर लें, तो हम स्वास्थ्य को दोबारा से पा लेंगे, और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना समय लगाते हैं कीमती, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको हमारी बातें पसंद आती हैं, इसीलिए हमारे रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बातों को शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चलेगा, उसका लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग नए आज देख रहे हैं अगर वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी बातें, हमारे ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये आपको समय से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।